Hi friends, I'm Anil Agarwal. Welcome to my Form Line Fact Series. और अब पढ़ रहे हैं आज लॉजिक गेट्स. इनमें हम एक्सप्लेनेशन थोड़ी कम ही देते हैं और सिर्फ फैक्ट्स प्रेजेंट करते हैं, जो कि एग्जाम के जस्ट पहले या क्विक रिविजन के लिए काफी हेल्पफुल सीरीज रहेगी आपके लिए. डिजिटल सर्किट्स हैव ओनली टू करंट और वोल्टेज लेवल्स. जो एनालॉग सर्किट्स होते हैं ना, सर वोल्टेज ऐसा भी हो सकता है. डिजिटल में बस हाई या लो होता है, दो इनपुट लेवल होते हैं. हाई को हम लोग 1 बोलते हैं, लो को 0 बोलते हैं. और लॉजिक गेट वो होता है जिसमें कई इनपुट हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, 1 2 3 4 कितने भी इनपुट हो सकते हैं, बट एक आउटपुट होता है. एंड द गेट ओपन्स व्हेन इट्स द इनपुट कॉम्बिनेशन इज सच दैट इट सैटिस्फाइज इट्स लॉजिक. इट्स लाइक अ नंबर लॉक. नंबर लॉक में जो उसका लॉजिक है वो आप जब फीड कर देते हैं तो गेट खुल जाता है, यानी आउटपुट हाई हो जाता है. चलिए हम पहले पढ़ते हैं और गेट. इसकी बुलियन एक्सप्रेशन है y इक्वल टू a और b. और को प्लस सिंबल से लिखते हैं. इसका सिंबल ऐसा है कि और जैसा आ रहा है और o जैसा बन रहा है यहाँ पे. और a और b दो इनपुट्स हैं और y इसका आउटपुट है. इसकी लॉजिक है कि आउटपुट विल बी हाई इवन इफ वन ऑफ द इनपुट इज हाई. स्विच और गेट, आप एक भी स्विच को ऑन करेंगे तो बल्ब जल जाएगा. बल्ब ग्लो करना यानी आउटपुट इज हाई, और एक भी स्विच ऑन है तो आउटपुट हाई है. ये इसका ट्रू टेबल है. इनपुट कॉम्बिनेशन यही हो सकते हैं कि दोनों इनपुट लो हो, या एक हाई हो एक लो हो, या दोनों हाई हो ऐसा. तो अगर दोनों लो है तो आउटपुट लो ही रहेगा. एक भी हाई है तो आउटपुट हाई, एक भी हाई है तो आउटपुट हाई, और दोनों भी हाई है तो आउटपुट हाई. और है ना, ये और ये या ये आप ऑप्शन दे दोगे तो फिर तो अपना काम हो ही जाएगा. कुछ आउटपुट हाई रहेगा अगर अपने पास ऑप्शन बहुत रहेंगे. डायोड और गेट, दो डायोड से मिला के इस और गेट को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है. अगर ये इनपुट हाई है या ये इनपुट हाई है, ये मान लेते हैं ए है और ये बी है. अगर एक भी इनपुट हाई है, अगर ए हाई है तो डायोड कंडक्ट करेगा और इस रेजिस्टेंस में से करंट जाएगा, तो पूरा वोल्टेज यहाँ गिरेगा और जो आउटपुट है वो अर्थ और इस पॉइंट के बीच वोल्टेज है, आउटपुट हाई हो जाए. अगर दोनों भी कंडक्ट करेंगे तो रेजिस्टेंस में करंट जाएगा और यहाँ वोल्टेज गिरेगा. अगर दोनों ही लो है, सपोज हाई 0 वोल्ट पे है, अगर ये दोनों ही 0 वोल्ट पे है तो डायोड कोई भी कंडक्ट नहीं करेगा और यहाँ कोई वोल्टेज नहीं होगा. यहाँ का आईआर 0 है और जो यहाँ का आईआर है वही पॉइंट वाई पे आउटपुट है ग्राउंड वाले पॉइंट के रिस्पेक्ट में. चलिए अब हम बात कर रहे हैं एंड गेट की. इसका सिंबल है, बुलियन एक्सप्रेशन है सी वाई टू ए एंड बी. सिंबल ये है, इसमें डी आता है एंड, और में ओ आता था ओ ओ, ये पूरा डी दिख रहा है एंड. इसकी लॉजिक ये है कि आउटपुट विल बी हाई ओनली इफ ऑल द इनपुट्स आर हाई. सारे लोग होने चाहिए घर के तब हम चाहे थे, ये ऐसा केस है तो बड़ी कम प्रोबेबिलिटी है सबके साथ होने की. ये भी हाई हो ये भी हाई हो तब ये स्विच ऑन होगा, ताला तब खुले ऐसा. ट्रुथ टेबल, एक भी लो है तो आउटपुट लो, ऑल हाई है तो ही केवल आउटपुट हो हाई होगा. घर के सारे लोग जब सामने होंगे तब तिजोरी खुलेगी, तो वैसे इसके तो फिर आउटपुट बड़ी मुश्किल से हाँ आएगा. सारे होने चाहिए, एक भी अगर एबसेंट हुआ तो फिर मीटिंग नहीं होगी. और डायोड से इसे कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, यहाँ दो डायोड हैं, ये ए या 0 या 5 हो सकता है, वोल्ट 5 वोल्ट. जब ये 0 है तो ये डायोड कंडक्ट करेगा, ये लो वोल्ट पर है, यहाँ तो 5 वोल्ट परमानेंटली लगा के रखा ही है. जब ये 0 वोल्ट है तो ये वाला डायोड कंडक्ट करेगा, और अगर ये डायोड कंडक्ट कर गया ना तो सारा वोल्टेज यहाँ गिर जाएगा. अब 5 वोल्ट में से सारा यहाँ गिर गया तो इस पॉइंट पे तो 0 वोल्ट बचा और वही आउटपुट है. अगर दोनों हाई होंगे ना, मतलब ये भी 5 वोल्ट होगा, अगर ये भी 5 वोल्ट होगा और ये भी 5 वोल्ट होगा ना, तो ये डायोड कोई भी कंडक्ट नहीं करेगा. और कोई भी डायोड नहीं कंडक्ट करेगा तो मैं यहाँ केवीएल अगर लगा लूंगा तो यहाँ कोई वोल्टेज तो गिरा नहीं है. 5 माइनस 0 ये आउटपुट है और वो 5 हो, तो दोनों अगर हाई होंगे तो ये डायोड कंडक्ट नहीं करेगा, कोई भी डायोड कंडक्ट नहीं करेगा. एक ने भी कंडक्ट कर गया ना तो ये सारा वोल्टेज यहाँ गिर जाएगा और आपके पास यहाँ बचेगा 0. चलिए अब हम बात कर रहे हैं नॉट गेट की. नॉट गेट में
बूलियन एक्सप्रेशन है भाई, इसी को तो ए बार या ए कॉम्प्लीमेंट, इसको बार बोलते हैं या कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। आउटपुट जो है इज ऑलवेज ऑपोजिट टू इनपुट, नॉट है ना। आप हाँ बोलोगे तो बोलेगा ना, आप ना बोलोगे तो बोलेगा हाँ। ये नॉट गेट है, नखरे बहुत हैं इसके, पहले तो मना ही करेगा। टॉगल स्विच ऐसे ही होता है, जिस भी पोजीशन में है आप उसको दबा दो तो उसका दूसरी पोजीशन में चला जाता है। और इसका सिंबल है ये डायोड जैसा, पर ये वहाँ बाहर डंडा नहीं होता, बस ये बबल होता है। बबल मीन्स ऑलवेज इन्वर्जन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। ये इसका ट्रुथ टेबल है, अगर इनपुट लो है तो आउटपुट हाई है, और अगर आउट इनपुट हाई है तो आउटपुट लो है। स्विच से नॉट गेट ऐसे बनाया जा सकता है, अगर ये ऑफ है, स्विच ऑफ है तो करंट यहाँ जाएगा, ये बल्ब का आउटपुट हाई होगा, और अगर ये ऑन होगा तो सारा करंट यहाँ से जाएगा, वो बल्ब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, उसमें से कोई करंट नहीं जाएगा, आउटपुट लो होगा। नॉट गेट डायोड से नहीं बनाया जा सकता, इसको ट्रांजिस्टर से बनाते हैं, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर। जब ए सपोज 5 वोल्ट है, ए 5 वोल्ट है, तो ये जो एमिटर और बेस का डायोड है वो फॉरवर्ड बायस है, वो कंडक्ट कर रहा है। आई भी अच्छा खासा है, और आई भी अच्छा खासा है, तो आई सी जो बीटा आई भी है वो भी अच्छा खासा है। अब आई सी सफिशियंट है तो यहाँ आई आर होगा, और अगर मैं यहाँ से यहाँ तक केवीएल लगाऊं तो ये सारा वोल्टेज इस पे गिर जाएगा और आउटपुट मिलेगा लो। और अगर ये लो है, इनपुट लो है, तो ये डायोड कंडक्ट नहीं कर रहा, बेस करंट 0 है, कलेक्टर करंट 0 है, और अगर आप यहाँ से यहाँ तक केवीएल लगाएंगे तो यहाँ कोई वोल्टेज है नहीं, बस ये जो वोल्टेज है वही आपको आउटपुट में मिल जाए। चलिए अब नॉर गेट, नॉर इन और प्लस नॉट, तो ये और ऑपरेशन है, ऊपर बार लगा दिया, तो वाई इज इक्वल टू ए और बी बार, ये इसके बुलियन एक्सप्रेशन। ये और है और ये नॉट है, तो इसकी आउटपुट ए प्लस बी थी, और इसकी आउटपुट ए प्लस बी का बार हो गया इन्वर्जन। नॉर नॉट मतलब इन्वर्जन, ये नॉट है और नॉट मतलब इन्वर्जन, पलट देता है। जो ए और बी हैं इसमें हम बबल लगा देते हैं, इसके आगे इस पूरे को हटा के बस इसका बबल लगा देते हैं। बबल ऑलवेज मीन्स इन्वर्जन, तो ए और बी ये जो कर रहा था उसके बाद इन्वर्ट हो गया, आउटपुट यहाँ मिलेगी। ए और बी दे रहा था आपको, ए और बी, और ये बबल मतलब अब वो इन्वर्ट हो गया, आपका आउटपुट मिलेगी। इसकी लॉजिक ये है कि आउटपुट इज हाई ओनली व्हेन ऑल द इनपुट्स आर लो, सारे इनपुट लो होने चाहिए, ये दोनों इनपुट लो है तो ही आउटपुट हाई है। ये स्विच से हम इसको बना रहे हैं, अगर ये दोनों स्विच खुले हुए हैं यानी ऑफ हैं तो ये बल्ब में से करंट जाएगा, दोनों लो हैं तो आउटपुट हाई देगा। अगर एक भी स्विच ऑन है, एक भी स्विच ऑन है तो करंट यहाँ से चला जाएगा, यहाँ से करंट नहीं जाएगा, यहाँ से चला जाएगा, ये ऑफ रहेगा। एक भी ऑन है, अगर एक भी ऑन है तो रोशनी नहीं देगा। नॉर गेट को हम खाली डायोड से या खाली ट्रांजिस्टर से नहीं बना सकते, दोनों ही यूज करने पड़ते हैं, उसको बोलते हैं डीटीएल, डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक। इसमें जो दो डायोड है उनसे पहले और गेट बनवा लेते हैं, और फिर एक सीरीज में ट्रांजिस्टर जुड़ा होता है कॉमन एमिटर बोर्ड में, दैट एक्ट्स एज नॉट गेट। चलिए अब बात कर रहे हैं नैंड गेट की। नैंड मतलब एंड प्लस नॉट, बुलियन एक्सप्रेशन इसकी ऐसी रहेगी, ए एंड बी, और उस पर इन्वर्जन कर दिया तो ये नैंड बन गया, एंड एंड प्लस नॉट। ये एंड गेट है ये डी जैसा, और ये नॉट है, ये आउटपुट है इस समय, यहाँ का आउटपुट ए एंड बी था, और ये इन्वर्ट होके ए एंड बी का कॉम्प्लीमेंट बन गया। ये इसका सिंबल है एंड, और इस पर बस बबल लगा दिया, बबल मीन्स इन्वर्जन। लॉजिक है कि आउटपुट भी लो ओनली व्हेन ऑल द इनपुट्स आर हाई, अगर सब हाई हैं तो ही केवल ये लो होगा। अगर एक भी हाई है, एक भी लो है, एक भी लो है तो आउटपुट हाई हो जाएगा। ये ऐसा है इसमें कि अगर आप पहले ये सीरीज में स्विच से अगर इसको देखें तो अगर दोनों हाई हैं, ये दोनों स्विच क्लोज है तो ये शॉर्ट सर्किट होगा। अगर एक भी ओपन है ना, एक भी ओपन है, एक भी खुला हुआ है, एक भी लो है, ये सर्किट में करंट नहीं बहेगा, सारा करंट वहां से जाएगा तो आउटपुट हाई होगा। अगर एक भी लो है, अगर एक भी लो है तो आउटपुट हाई है, ठीक है, दोनों हाई है तो ही केवल आउटपुट लो है। और नैंड गेट जो है यूजुअली डायोड से नहीं बनाया जा सकता, पूरा डायोड और ट्रांजिस्टर लॉजिक से नॉर्मली से बनाया जाता है कमर्शियली।
डीटीएल लॉजिक यूज करके। तो जो जितने भी बेसिक गेट्स हैं वो हमारे इस सीरीज में यहाँ पे समाप्त हुए, जो एडवांस गेट्स हैं वो अगले लेक्चर में लेते हैं। थैंक यू।